नमस्कार दोस्तों, हम आज लेके आए हैं करण जीके की पहली क्लास अपने एक यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। तो थोड़ी सी बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। तो इसके राजधानी है मुंबई। राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। और इसके सीएम हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। राज्यपाल की बात करें तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो अपना क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर था महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, सीएम एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? हाल ही में एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो ऑप्शन की बात करें, 50 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन और 10 मिलियन डॉलर। तो अपना करेक्ट आंसर होगा 100 मिलियन डॉलर। आंसर होगा 100 मिलियन डॉलर। तो बात करते हैं एडीपी। एडीपी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी 1966 और मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। क्वेश्चन क्या था अपना, हाल ही में एडीपी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो आंसर है 100 मिलियन डॉलर। एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। और श्रीराम फाइनेंस की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो एमएम सिंधी, डॉक्टर कीर्ति भारती, लक्ष्मी सिंह, स्मृति मंदाना। तो अपना करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मी सिंह, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। अब ऑप्शन की बात करें तो स्मृति मंदाना क्यों चर्चा में है इस समय? क्योंकि आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए इनका नाम नामित किया गया है। स्मृति मंदाना का आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नाम
नामित किया गया है और इनके साथ एक और है सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। ये दोनों ही इंडिया टीम के लिए खेलते हैं, ये महिला के लिए और सूर्य कुमार यादव इंडिया टीम मेंस के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना क्वेश्चन है चार नंबर, किसने कर्नाटक के मंड्य में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? किसने कर्नाटक के मंड्य में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, पीएम अमित शाह, राजनाथ सिंह और भूपेंद्र बघेल। तो करेक्ट आंसर होगा अमित शाह। अमित शाह क्या है, अपने गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ये अपने प्रधानमंत्री है ही, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री, और भूपेंद्र बघेल यह है सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम। तो अपना क्वेश्चन क्या था, किसने कर्नाटक के मंड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, राजस्थान में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर और काजरी जोधपुर। तो अपना आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। इस सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कैसे हुई? भारत में सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए सात सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है, सात क्षेत्र ऐसे बनाए गए हैं, उस क्षेत्रों में से एक यह भी है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। चलो इसकी बात कर लेते हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसके संरक्षक कौन है? संरक्षक तो वो कौन है, राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। और इसके निदेशक कौन है, निदेशक तो वो है किरण सोनी गुप्ता, किरण सोनी गुप्ता। तो क्वेश्चन क्या था, राजस्थान में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, संरक्षक राज्यपाल, निर्देशक किरण सोनी गुप्ता। ऑप्शन दो है, वो है साहित्य, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी 1958। और इसके द्वारा एक पत्रिका का विमोचन प्रकाशन भी किया जाता है, उसका नाम है मधुमति। राजस्थान अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना की बात की जाए तो वो है 1876। और काजरी जोधपुर, ये तो बहुत बार सुना है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है, आता भी है, इसकी स्थापना की बात की जाए वो है 1959। काजरी और आफरी दोनों। तो अपना क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह, राज्य का पहला शिल्पग्राम गांव कौन सा है? तो ऑप्शन पालगांव जोधपुर, पुष्कर अजमेर, हवाला ग्राम उदयपुर, राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, हवाला ग्राम उदयपुर। राज्य का पहला शिल्पग्राम गांव कौन सा है? तो वह है हवाला ग्राम उदयपुर। यह भी
ये इसके बाद ही बने हुए हैं। पालगाम जोधपुर ये भी शिल्पग्राम है, पुष्कर अजमेर भी शिल्पग्राम है और रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर ये भी शिल्पग्राम है। लेकिन सबसे पहले की बात की जाए तो वो है हवाला ग्राम उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो मधुमति राजस्थान पत्रिका, मरुद्रा साहित्य पत्रिका। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मधुमति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? मधुमति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नई दिल्ली में बन रही नई संसद भवन के ऊपर बन रहे अशोक स्तंभ के वास्तुकार कौन है? महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नई दिल्ली में बन रही नई संसद भवन के ऊपर बन रहे अशोक स्तंभ के वास्तुकार कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लक्ष्मण व्यास, किरण सोनी, रमेश रलिया, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण व्यास, मोस्ट इंपोर्टेंट, आने वाली एग्जाम में याद कर लेना। नई दिल्ली बन रही नई संसद भवन के ऊपर बन रहे अशोक स्तंभ के वास्तुकार कौन है? लक्ष्मण व्यास। और रमेश रलिया ये कौन है? ये जैविक खेती के, जैविक खेती के जन्मदाता। किरण सोनी की अभी बात की थी, निर्देशक पश्चिमी क्षेत्र सांसद केंद्र के निर्देशक कौन थे? किरण सोनी गुप्ता। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2021-22 में प्रशिक्षण देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2021-22 में प्रशिक्षण देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सातवां, छठा, पांचवा, चौथा। तो करेक्ट आंसर होगा पांचवा, कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान। और बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से, प्रथम चरण है, प्रथम चरण 2015। दूसरे चरण की बात करें वो है 2016 से 2020, द्वितीय चरण है 2021 से 2022 अभी चल रहा है, अभी चौथा चरण आया नहीं है। तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, वो है तीसरा चरण, तीसरा चरण। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2021-22 में प्रशिक्षण देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वो आ जाएगा पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार किस संस्था द्वारा निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? देश में पहली बार किस संस्था द्वारा निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो IIT जोधपुर, IIM उदयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और IIT नागपुर। तो अपना आंसर होगा IIM उदयपुर, IIM उदयपुर। तो इसमें बात कर लेते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यह है कहाँ? जयपुर में। स्थापना की बात की जाए तो वो है 8 जनवरी 1947। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 8 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में जिला स्तर पर
जिला विकास आयोग जैसा नया पद स्थापित करने की अनुशंसा किस समिति ने की? पंचायत राज संस्थाओं के संदर्भ में जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त जैसा नया पद स्थापित करने की अनुशंसा किस समिति ने की? तो ऑप्शन की बात करते हैं, डॉक्टर विजय केलकर समिति, सुशील कुमार समिति, भूंगन समिति, थुंगन, यहाँ क्या आ जाएगा, थुंगन समिति, और बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका करेक्ट आंसर है थुंगन समिति। पंचायत राज संस्थाओं के संदर्भ में जिला स्तर पर जिला विकास आयोग जैसा नया पद स्थापित करने की अनुशंसा किस समिति ने की? तो वो आ जाएगा थुंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और रूस। अपना करेक्ट आंसर होगा कनाडा। क्या होगा? कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है अपने भारत में? संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं ना कन्नाडा, संकानाडा, संघात्मक व्यवस्था कन्नाडा। तो अपना आंसर हो जाएगा यूरेनियम चिट्ठी स्थापित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? कन्नाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस देश को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? काला गोरा से आप समझ गए होंगे अंग्रेज, तो उसी से संबंधित है। किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? चेलावास का युद्ध, भिथोड़ा का युद्ध, हल्दीघाटी के युद्ध और पानीपत के युद्ध। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह हुआ कब था? 18 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857। दूसरे अपना आंसर क्या है चेलावास? दूसरे ऑप्शन की बात करें भिथोड़ा का युद्ध, यह कब हुआ था? इसके 10 दिन पहले, यानी कि 8 सितंबर 1857। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बेट चेला, बेट चेला, चेलावास, बेट चेला, भिथोड़ा और चेलावास। तो यह आ जाएगा 18 सितंबर, यह हो जाएगा बेट चला, यानी कि 8 सितंबर और 18 सितंबर। हल्दीघाटी युद्ध 1576, अकबर व प्रताप के बीच, अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह, उनके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, मेक मोशन की कब्र कहां पर स्थित है? मेक मोशन, अहुआ पाली, आमेर जयपुर, ब्यावर अजमेर, किशनगढ़ अजमेर। तो अपना आंसर हो जाएगा अहुआ, अहुआ पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? शानदार क्वेश्चन, रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, फ्लास। तो अपना करेक्ट आंसर होगा रोहिड़ा, रोहिड़ा। क्या आंसर हो जाएगा? रोहिड़ा। इसका वानस्पतिक नाम की बात करें तो वह है टिक्कोमेला, टिक्कोमेला अंडुलेटा, अंडुलेटा। रोहिड़ा का वंश नाम क्या होगा? टिक्कोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जंगल की आग किस वृक्ष को खा जाता है? जंगल की आग किस वृक्ष को खा जाता है? फ्लास, खेर, रोहिड़ा, सागवान। तो अपना आंसर हो जाएगा फ्लास। इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं ढाक। फ्लास ऑप्शन में आ सकता है, फ्लास या ढाक। जंगल की आग किस वृक्ष को खा जाता है? फ्लास या ढाक। रोहिड़ा के बारे में बता ही दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। तो इसका आंसर होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? इसकी दो दो स्थापना की बात की जाती है। एक तो होती है 1488, जो शहर की बात करते हैं, एक 1465। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने, बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर की थी, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने वो कब की थी? 1459। और उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की, वो कब की थी? 1559। 1559। और जयपुर की 18 नवंबर 1727। इसकी स्थापना की थी सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई लग गया तो वो सवाई जय द्वितीय ही होगा। और सवाई जय सिंह का कार्यकाल क्या है? 1700 से 1747 तक। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, कोटा, टोंक, भरतपुर। तो करेक्ट आंसर होगा टोंक। क्या होगा? अपना हो जाएगा टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? गंगानगर, जोधपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 20वां क्वेश्चन है, 73वें और छोत्तरवे संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सीईटी में और आगे भी आ सकते हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर होगा वीपी नरसिम्हा राव। अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वीपी नरसिम्हा राव। धन्यवाद।